दर्शन न्यूज। कैमूर के रामगढ़ से जनसुराज के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज वारती की मौजूदगी में पद यात्रा कर किया जनसंपर्क। जनसुराज पार्टी के रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी सुशील सिंह कुशवाहा ने नामांकन के बाद मुंडेश्वरी गेट से अनुमंडल कार्यालय तक हजारों समर्थकों के साथ किया पद यात्रा। इस दौरान प्रत्याशी सुशील सिंह कुशवाहा ने कहा कि 23 नवम्बर को रामगढ़ की जनता भतीजावाद करने वाली पार्टियों के मुंह पर मारेगी तमाचा। जनसुराज पार्टी के रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी सुशील सिंह कुशवाहा ने नामांकन दाखिल करने के पश्चात मुंडेश्वरी गेट से अनुमंडल कार्यालय तक पद यात्रा कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज वारती, पूर्व आईपीएस आर के मिश्रा भी मौजूद रहे। वही पद यात्रा के दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और उत्साह पूर्वक बढ़ चढ़कर जन स्वराज का समर्थन किए। पूरे शहर को जन स्वराज के नारों से इन्होंने गुंजयमान करते हुए जन स्वराज को एक ठोस संगठन के रूप में जनता के सामने दर्शाया। हर जगह लोगों के बीच जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशियों को एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। खासकर युवाओं और महिलाओं में जन स्वराज पार्टी और उनके प्रत्याशी के प्रति एक नई उत्साह और उम्मीद है। जनता आरजेडी और जदयू दोनों ही पार्टियों से अब उब चुकी है और जन राज को सही विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहती है। रामगढ़ विधानसभा की जनता ने वाई भतीजावाद और जातिवाद को उकार फेंकने का मन बना लिया है। रामगढ़ का मेरा पहला मुद्दा परिवारवाद को खत्म करना और शिक्षा स्वास्थ्य को लाना। अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं आप? हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं रामगढ़ को हर हाल में जीतूंगा। अपने नेता और जन स्वराज के हमारे जितने भी सामान्य कार्यकर्ता हैं उनके बल पर। किन विकास का मुद्दा क्या आपकी? विकास के मुद्दा इस जितने भी हमारे लोग हैं जो पूरे प्रदेश में जा जाके भुखमरी का शिकार होते हैं और तमाम लोग उनको टॉर्चर करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरा पहला मुद्दा होगा। उस पलायन को हर हाल में हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। वोट बहिष्कार का भी मामला कई जगहों पर आ रहा है। या तो पहला वोट बहिष्कार हुआ है, मुझे पता है, मैं वहाँ जाऊँगा। भी रामगढ़ की जनता जितने भी प्रतिनिधियों को बनाया उन प्रतिनिधियों से ऑलरेडी वो उठ चुका है। उन्हें नया एक विजन और नया एक नेता की तलाश है और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भरपाई करूँगा। अपनी जीत की कितनी दवा कर रहे हैं? 100%। आज कहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ है लक्ष्य? आज हम रामगढ़ के प्रत्याशी के साथ हैं, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं और हमारा लक्ष्य चारों सीटों को जीतना है। क्या लगता है दो सीटों पर जिस प्रकार से बदलाव करने पड़े, क्या कारण रहा? वो कारण ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है मीडिया को और सब लोगों को, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग भी चुने गए हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए और स्वच्छ छवि के नेता या नेत्री हैं और हम जानते हैं कि जनता का पूरा पूरा विश्वास हम जीतने में कामयाब होंगे और सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, 4-5 लोगों का नाम आ रहा था, अभी लोग साथ में हैं? हाँ, सब लोग साथ में हैं। सब लोग, हम लोग साथ में ही रैली में आए हैं, सब लोग साथ में हैं। रामगढ़ में जैसा कि हर बार देखा गया कि सामने से त्रिकोणीय मुकाबला रहा, इस बार जन स्वराज भी सामने से लड़ रहा है जी। कितना टक्कर देगा और किससे लड़ाई है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जैसा हमारे उम्मीदवार साहब ने बताया है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम जानते हैं कि हम जीतने वाले हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। मिश्रा जी, आप भी साथ में हैं, प्रचारक ग्रुप में आप क्या देख रहे हैं, रामगढ़ की जनता कितना आपको जो है सपोर्ट करेगी? 35 साल पहले मैं जिला का पहला SP था और मैं रामगढ़ को भली भांति जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो हमने प्रत्याशी दिए हैं, हमारा प्रत्याशी कर्मठ है, गरीबों को सुनने वाला है, सभी वर्गों का ख्याल रखता है और हमारी तो पहली है कि राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। 35 वर्षों की राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। विकास का ढोंग के आर में आज भी दुर्गावती पर कई जगह पुल के लिए लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, किसी ने देखा नहीं। तो पहला हमारी शर्त है कि परिवारवाद का खात्मा हो, वंशवाद बढ़ाने की बात जो है राजनीति में उसका खात्मा हो और एक गरीब का बेटा, कैमूर का बेटा, गरीबों का को ध्यान रखने वाला बेटा इस बार विधायक बनके विधानसभा में जाए और कैमूर की और रामगढ़ की समस्या का समाधान करे। हम आश्वस्त हैं, हम इतने मतों से जीतेंगे कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। रामगढ़ में क्या लग रहा है जब सुराज पर